हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो अब हम इंग्लिश लिटरेचर में सारे ट्रांजिशनल पोइट्स करेंगे, वन बाय वन हर एक राइटर को हम कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम प्री रोमांटिक्स राइटर पर जाएंगे और फिर हम रोमांटिक राइटर्स पर जाएंगे। ओके, प्री रोमांटिक्स के बाद हम रोमांटिसिज्म की एज पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ मैंने 5000 एमसीक्यू सीरीज भी शुरू कर रखी है। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसमें मैं सभी ब्रिटिश राइटर्स को कंप्लीट कर रही हूँ बिल्कुल सीक्वेंस में। जैसे जैसे आप यहाँ पर पढ़ते हो वैसे वैसे आपको उनके एमसीक्यूज मिल जाते हैं। ओके, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जेम्स थॉमसन, इनका लाइफ स्पैन है फ्रॉम 1700 टू 1748। ये एक ट्रांजिशनल पोइट हैं, ठीक है। हम 18th सेंचुरी को टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, है ना। एक तो है फर्स्ट हाफ और एक है सेकंड हाफ। तो जो ये फर्स्ट हाफ है ये पोप की एज है, और जो सेकंड है ये सैमुअल जॉनसन की है, राइट। तो जो ये फर्स्ट हाफ है 18th सेंचुरी की, इससे जेम्स थॉमसन बिलोंग करते थे। अब देखो, इस टाइम पर जो भी राइटर्स इस फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, वो सारे के सारे राइटर्स ना ड्राइडन को फॉलो करते थे एंड पोप को फॉलो करते थे। तो ये एक तरीके का रेजीम लगा लो आप। लेकिन जेम्स थॉमसन ने ऐसा रेवोल्यूशन किया कि इन्होंने पोप को एंड ड्राइडन को फॉलो करने की बजाय इन्होंने स्पेंसर को फॉलो किया एंड मिल्टन को फॉलो किया, ठीक है। और जेम्स थॉमसन ने स्पेंसर एंड मिल्टन को फॉलो किया तो इन्होंने अपने वर्क में हीरोइक कपलेट यूज नहीं किया, बल्कि इसकी बजाय ब्लैंक वर्ड्स को यूज किया एंड स्पेंसेरियन स्टैंजाज को यूज किया। एक्चुअली क्या होता था ना कि जो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, इसमें जितने भी राइटर थे वो पोप एंड ड्राइडन को फॉलो करते थे, एंड साथ ही साथ वो सारे के सारे राइटर्स ना हीरोइक कपलेट में लिखा करते थे। बट जेम्स थॉमसन ऐसे थे जिन्होंने स्पेंसर एंड मिल्टन को फॉलो किया, ना कि पोप एंड ड्राइडन को, और इन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज नहीं किया बल्कि ब्लैंक वर्ड्स एंड स्पेंसेरियन स्टैंजाज का इन्होंने यूज किया था, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में भी रखनी है। देखो, इनकी ना एक बायोग्राफी भी लिखी है, जेम्स थॉमसन की एक बायोग्राफी लिखी है। किसने लिखी है तो उस बायोग्राफर का नाम पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इनकी बायोग्राफी लिखी है पैट्रिक मुर्डॉक ने, ओके, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब सीधा इनके वर्क्स पे आते हैं। अब क्वेश्चन अगर आता है तो अब इनके वर्क से ही आता है, तो जितना मैं कराऊंगी आप उतना ही करना, इससे ज़्यादा माइनर राइटर्स में से नहीं आता। हालांकि हम माइनर राइटर को स्किप नहीं कर सकते फिर भी। तो इन्होंने पहली जो पोम लिखी थी उसका नाम देखो, सीजन्स। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है ना कि सीजन्स ना इन्होंने 4 सीरीज में ये पोम लिखी थी, ठीक है। इसमें इन्होंने 4 पोम लिखी थी और सीरीज में इन्होंने उसे पब्लिश किया था, तो वो सीक्वेंस पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। देखो कैसे, पहले इन्होंने लिखी विंटर, विंटर को इन्होंने पब्लिश किया 1726 में, राइट। इसको पब्लिश करने के बाद इन्होंने कौन सी बुक लिखी, पोम लिखी थी, समर 1727 में। फिर इन्होंने स्प्रिंग लिखी, कब, 1728 में, मतलब इन्होंने ये पब्लिशिंग टाइम है। फिर इन्होंने ऑटम पब्लिश की 1730 में, राइट। तो अभी एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनका जो फर्स्ट पोम है उसका नाम बताओ, तो वो है सीजन्स। और ये सीरीज इन्होंने 4 पोम्स में कंप्लीट की, और 1726 में शुरू की और 1730 में इस पोम को इन्होंने कंप्लीट किया था। तो अब ना आपसे एग्जामिनर ये सीक्वेंस पूछेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि सीजन्स में सबसे पहली पोम कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, थर्ड वन कौन सी थी एंड फोर्थ वन कौन सी थी। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, पहले विंटर, फिर समर, फिर स्प्रिंग एंड फिर ऑटम। और इसके शायद डेट्स याद करने भी इजी होंगे आपके लिए। देखो 1726, 27, 28 और फिर ये 1730 में जाकर कंप्लीट की थी।
अब देखो सीजन से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक्चुअली में जो ये पोएम है ना सीजन्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पोएम को कंसीडर किया जाता है एज अ रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जितने भी राइटर्स थे ना वो पोप एंड ड्राइडन को फॉलो करते थे, हीरोइक कपलेट का यूज़ किया करते थे, एंड उन्होंने ना इमेजिनेशन पर, ना नेचर पर, ना एस्केप टू यू नो नेचर एंड मेलनकोली चीज़ों के बारे में बात नहीं की थी। बट जेम्स थॉमसन ऐसे थे जिन्होंने सभी इमोशंस को सेलिब्रेट किया, लाइक दोज राइटर्स जो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं, क्योंकि रोमांटिसिज्म के जितने भी राइटर्स थे उन्होंने सभी इमोशंस को सेलिब्रेट किया था। तो इसीलिए इस वर्क को कहा जाता है रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जेम्स थॉमसन का ऐसा कौन सा वर्क है जिस वर्क को कंसीडर किया जाता है एज अ रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म, दैट इज सीजन्स। ओके, तो यहाँ से यही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें इन्होंने कंट्री साइड की बात की है, रूरल एरियाज के बारे में बात की है, और मैंने आपको जब क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि रोमांटिसिज्म जो थे ना वो प्रिमिटिव पीपल के बारे में बात करते थे, कंट्री साइड लोगों के बारे में, वेयर एज जो पोप की एज के जितने भी राइटर्स थे, जो क्लासिकल राइटर्स थे, वो लिखा करते थे किन, वो लिखा करते थे एक्चुअली एक पैटर्न में और एक सीक्वेंस में, क्योंकि उन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज़ किया अपने वर्क में, ना वो किसी इमेजिनेशन को यूज़ किया करते थे, क्योंकि इमेजिनेशन, खुद की इमेजिनेशन भी उन्होंने यूज़ नहीं की। सो लैक ऑफ इमेजिनेशन उनके वर्क में देखने को मिलता है, एंड उन्होंने ना नेचर की बात की है, ना उन्होंने यू नो मेलनकोली की बात की है। उनकी जो पोइट्री हुआ करती थी वो इंटेलेक्चुअल पोइट्री होती थी, वेयर एज जितने भी रोमांटिसिज्म के राइटर्स थे उन्होंने सभी इमोशंस को सेलिब्रेट किया था। उन राइटर्स का जो एक वो कहते हैं ना कि जिस्ट, वो आपको जेम्स थॉमसन के इस वर्क में देखने को मिलता है। इसमें इन्होंने, और हाँ जो मैंने आपको बताया अभी कि रोमांटिसिज्म के जो राइटर्स थे वो प्रिमिटिव लोगों के बारे में बात किया करते थे, वेयर एज जो पोप के एज के राइटर्स थे, मतलब जो क्लासिकल राइटर्स थे बेसिकली क्लासिसिज्म से जो बिलोंग करते थे, उन्होंने रूरल लाइफ के बारे में ना लिखकर टाउन पोइट्री की बात की थी, राइट। और यहाँ पर आप देखो कि ये पोप की एज से बिलोंग करते हैं फिर भी इन्होंने अपने वर्क में रूरल एरिया की बात की है। सो इसीलिए कहा जाता है कि ये वर्क इनका कंसिडर्ड एज रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट इनकी पोएम आई लिबर्टी, ये इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखी थी, और ये भी इन्होंने सीजन्स भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी थी। फिर इन्होंने लिखी सोफोनिस्बा, ये सोफोनिस्बा एक हिस्टोरिकल फिगर है, प्रिंसेस ऑफ कार्थेज, और उनके ऊपर इन्होंने लिखा था व्हेन शी कमिटेड सुसाइड और क्या रीजन था, ये सब चीज़ें इन्होंने इस वर्क में इन्होंने इंक्लूड किया है, एंड 1729 में ये वर्क आया था। इन्होंने एक पैट्रियोटिक पोएम लिखी थी और जिसका नाम था रूल ब्रिटानिया, और फिर बाद में जाकर ये एक सॉन्ग बन गया था, और 1740 में इन्होंने इस वर्क को पब्लिश किया था। फिर इन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी कोरियोलैनस 1749 में। फिर इन्होंने एक मास्क लिखा था और इसमें इन्होंने कोलैबोरेशन किया था डेविड मैलेट के साथ, 1740 में ये इनका वर्क आया था। फिर इन्होंने एक वर्क लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, सीजन्स के बाद अगर इनका कोई वर्क इंपॉर्टेंट है दैट इज कासल ऑफ इंडोलेंस। अब वर्ड्सवर्थ जो थे इन्होंने कहा कि थॉमसन्स जीनियस एज एन इमेजिनेटिव पोइट, ये स्टेटमेंट इन्होंने थॉमसन के बारे में कही है। और वर्ड्सवर्थ कौन से राइटर हैं जो रोमांटिसिज्म एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज बस जेम्स थॉमसन के बारे में इतना ही करना बहुत था, ऐसे ही करके हम जो अदर राइटर्स हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम कर लेंगे वन बाय वन, ठीक है। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राइटर के साथ।